remember we met. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टाइटल ऑफ ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, कई लोग कई हफ्ते, कई महीने और कई सालों से अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। मैं जानती हूँ इस बात को। जिनके भाग्य में लिखा था उनको उनके पार्टनर मिल चुके हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं रियूनियन को लेकर, थैंक्स भी कहते हैं हमारे परिवार के सदस्य मुझे कि दीदी आपकी कही हुई बातें सही हुई है। पर कुछ लोगों का इंतजार अभी भी ज्यों का त्यों है, खत्म नहीं हुआ है। तो आज चलिए आपके बारे में हम रीडिंग करते हैं कि क्या आपको अपने पर्सन का इंतजार करना चाहिए या फिर आपको लाइफ में मूव ऑन हो जाना चाहिए। अगर आपका ये इंसान, आपका ये व्यक्ति, आपका ये पर्सन जिससे आप प्यार करते हो, ये आपके भाग्य में लिखा है, तो ये इंसान किसी भी कंडीशन में, किसी भी समय पर आपकी ज़िंदगी में वापस लौट आएगा। पर क्या आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए? अगर आपके भाग्य में है तो ही वापस आएगा। गाइस, सभी का भाग्य इतना बलवान नहीं होता, सभी लोग इतने लकी नहीं होते कि जिससे प्यार किया वो मिल जाए। पर सभी लोग जो है, सभी लोगों की जो है किस्मत इतनी बुरी भी नहीं होती है। कभी कभी इंसानों का क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, इंसानों का डिवाइन टाइमिंग आता है, हर चीज़ करने का एक सही वक्त होता है। तो आज हम आपके वेट या मूव ऑन को लेकर रीडिंग कर रहे हैं। तो क्या आपको आपके पर्सन का इंतजार करना चाहिए या फिर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए? जो निकल कर आएगा एनर्जी, आपको उसे ही फॉलो करना है। पर आप सभी को मैं एक बात की जानकारी दे दूं कि इंतजार करना है इस इंसान का या आपको आपके लाइफ में कोई और डिसीजन ले लेना चाहिए, किसी और पाथ पर चले जाना चाहिए, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए, ये जो है आपका ही फैसला है। आपको फैसला लेना है, क्योंकि आप अपने पर्सन और अपने रिश्ते को भली भांति जानते हो, मुझसे भी ज़्यादा आप जानते हो गाइज, है ना। अगर आपको आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए तो कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान का इंतज़ार बहुत लंबा हो गया, आप बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है इंतज़ार करके, तो आप उसी हिसाब से अपने ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकते हो, समझ गए। पर मैं जो देखूंगी, मुझे यहाँ पर जो नजर आएगा, मैं आपसे साफ साफ वही कहूँगी, है ना। तो वेट और मूव ऑन पर रीडिंग लेकर आई हूँ और आज मैंने पाइल पर आपके पर्सन का जो है राशि रखा हुआ है, जोडियक साइन जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपको मालूम है तो आप उससे सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं मालूम तो आप जो है एंजल नंबर से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्या है आज की हमारी राशि में, पाइल नंबर वन में है स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन पाइसेस टॉरस कैंसर और वर्गो। स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन पाइसेस टॉरस कैंसर और वर्गो, वृश्चिक मकर मीन वृष कर्क और कन्या, ये है हमारा पाइल नंबर वन और इसमें है एंजल नंबर 111। तो अगर आपको नहीं मालूम तो आप एंजल नंबर 111 भी जो है चूज कर सकते हो। पाइल नंबर टू में है एरिस जेमिनी लियो लिब्रा सेजिटेरियस और एक्वेरियस। एरिस जेमिनी लियो लिब्रा सेजिटेरियस और एक्वेरियस, मेष मिथुन सिंह तुला धनु और कुंभ राशि, इसमें है एंजल नंबर 222। तो यू कैन चूज एंजल नंबर 222 ऑल्सो। तो इस तरीके से आपको पाइल सेलेक्ट करना है और पाइल सेलेक्ट करो या रीडिंग स्टार्ट करूँ, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस ट्रस्ट बनाए रखिए, भरोसा रखिए ईश्वर पर, ऊपर वाले पर, है ना। आपने अगर सच्चा प्यार किया है तो आपका इंतज़ार बेकार नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, है ना। किसी भी जेंडर के लिए ये रीडिंग हो सकती है, मेल फीमेल इट डजेंट मैटर, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इट डजेंट मैटर, ठीक है। बस आपको जो है सच्चे दिल से रीडिंग को देखना है, समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग पाइल नंबर वन से। तो ये है हमारा स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन पाइसेस टॉरस कैंसर वर्गो वृश्चिक मकर मीन वृष कन्या और कर्क। वाओ, लुक एट दिस गाइस, पहले ही जो एनर्जी निकल कर आई है लवर्स की निकल कर आई है, क्या बात है, अमेजिंग। वी हैव हर्मिट मेजर अरकाना, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव फोर ऑफ वैंड्स। वाओ, बॉटम में क्या आया है? बॉटम में वही आया है जिसका आपको इंतजार होता है, जो आप जानना चाहते हो हमेशा, है ना। क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स की जो है मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है।
वाह लो आ गया गाइस, पावर कपल भी आ गया, किंग एंड क्वीन की एनर्जी आई है और साथ में लवर्स का कार्ड आ गया है। तो क्या चाहिए अब और हमें? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव टू ऑफ वैंड्स और बॉटम में हमें मिला है एट ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो चलिए अब आपको साइन और एलिमेंट बताते हैं यहाँ पर क्या क्या निकल कर आया है। तो साइन और एलिमेंट में जैसा कि आप देख रहे हो, मेजर अरकाना का जेमिनी आज इम्पॉर्टेंट है, लवर्स का ये जो कार्ड है, उसके बाद वर्गो की एनर्जी स्ट्रांग है, एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, वी हैव फायर साइन लियो, सेजिटेरियस एरिस या धनु मेष राशि, वी हैव वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, साथ ही साथ अर्थ साइन भी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। तो क्या आपको इस इंसान का इंतजार करना चाहिए? मैं बहुत सारे जो है यूनिवर्स की तरफ से और एंजल की तरफ से भी मैं मैसेज लूंगी, है ना, पर इस रीडिंग को पहले मैं खत्म करूंगी, टैरेट की रीडिंग को खत्म करूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए हुए पूरे रीडिंग को ध्यान से सुनिए, समझिए, है ना। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप दोनों का जो प्यार है, आपका आपके और आपके पर्सन की जो एनर्जीज है यहाँ पर, वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही नाजुक है आप दोनों का रिश्ता, ये भी नजर आता है। प्योरिटी के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस तो है, प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर नजर आई है। प्रॉब्लम किस चीज को लेकर नजर आई है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक प्रॉब्लम है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी को दिखाती है, साथ ही साथ अरेंज मैरिज को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पर जो फोर ऑफ वैंड्स को ले जाकर दिखाती है। तो ये दोनों ही एनर्जी की वजह से मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से भरा हुआ या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आप दोनों का अभी तक रहा है, जिसमें बहुत सारी दीवारें आई, बहुत सारे मतभेद हुए और ये जो मतभेद प्रॉब्लम्स जो हुए हैं ये किसी और के द्वारा बनाए गए हैं या किसी और के द्वारा ही आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। कहीं ना कहीं एक समझौता नजर आता है, कहीं ना कहीं जो है मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं, ईश्वर ने तो इस जोड़ी को जैसे कि ना आप दोनों की जोड़ी को जैसे ईश्वर ने तो कह दिया है कि तुम दोनों को जो है मैंने एक जान बनाने के लिए भेजा है, तुम दोनों को मैंने इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि तुम दोनों एक घर बना सको, तुम दोनों एक परिवार बना सको, तुम दोनों जिंदगी साथ में बिता सको, है ना, मरते दम तक तुम दोनों का हाथ कभी एक दूसरे से छूटे ना। तो इस तरीके का रिश्ता, एक तो पावर कपल, ऊपर से सोलमेट की जर्नी आप दोनों का यहां पर यह चल रहा है, पर ऐसे खूबसूरत और प्योर रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूं कि ऐसे मतभेद हुए हैं और दूसरों द्वारा पैदा किए गए जो है मतभेद इस रिश्ते में बीच में आए हैं, जिसके वजह से आज आपके पर्सन बहुत ज्यादा तकलीफ में है, क्योंकि हर्मिट यहां पर इस इंसान के बेइंतहा दर्द को दिखाता है, इस इंसान के जिंदगी के आगे ना बढ़ पाने को दिखाता है, अपने सोलमेट के बिना, अपने अपने दिल के बिना, अपने सपनों के बिना इस इंसान का जो है मन मस्तिष्क अभी जो है इनके कंट्रोल में नहीं है, बहुत बुरी सिचुएशन और हालात से ये पर्सन गुजर रहा है। हर्मिट हमेशा उस इंसान की एनर्जी होती है जो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा होता है, जो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है, जिसका मन नहीं लगता, जिसके अंदर बहुत बड़ी जो है एक ऐसी आग जली होती है, लेकिन वो आग लोगों को दिखती नहीं है, लोगों को दिखता है कि ये इंसान खामोश है, लोगों को दिखता है कि ये इंसान कुछ कर नहीं रहा, लोगों को दिखता है कि इस इंसान ने मेरे रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ किया ही नहीं। तो हमें जो दिखता है वो वास्तविकता नहीं होती, सच्चाई नहीं होती, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान आपके बिना जिंदगी जी नहीं पा रहा, कोई इंसान आपके बिना मुस्कुरा नहीं पा रहा, कोई इंसान आपके बिना बाहर चलकर अपनी जिंदगी के बारे में कुछ कर नहीं पा रहा, तो आप इस खुशी को कैसे कह सकते हो कि ये वाकई में खुश है? आपने जो देखा,
आपकी नजर ने जो देखा बस आपको वही सही लगता है, पर ईश्वर की नजर से अगर आप देखोगे तो ये इंसान जो है एक जुदाई की वजह से, आप अपने लवर या अपने सोलमेट की जुदाई की वजह से ये इंसान जो है अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खो चुका है। बहुत स्लो प्रोसेस है, इनकी जर्नी बहुत जो है यहाँ पर थमी हुई नजर आती है, रुक रुक कर ये इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और बस एक सपने के साथ जी रहा है, एक उम्मीद के साथ जी रहा है कि आज नहीं तो कल जो है मेरा जो प्यार है, जिससे मैंने प्यार किया है, उसके साथ मेरी जो है रियूनियन हो जाएगी, मेरी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स है, जो मुझे नहीं समझ रहे वो लोग मुझे समझने लगेंगे। तो इसी एक उम्मीद से जो है ये इंसान अपनी जिंदगी को जीता हुआ नजर आया है। एक तरफ है एट ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में, तो दूसरी तरफ है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। तो देखो एट ऑफ कप्स क्या बताता है, क्यों गया है आपका पर्सन हर्मिट में, क्यों इस इंसान को ईश्वर की याद आती है, क्यों इस इंसान को जो है सिर्फ ईश्वर पर भरोसा है आज के दिन में, तो इसलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आपका प्यार, आपको महसूस नहीं कर पा रहा अपने करीब, आपको ये इंसान जाते हुए जो है सोच नहीं पाता, आपको ये इंसान वापस बुलाना चाहता है अपनी जिंदगी में, आपको वापस पाना चाहता है अपनी जिंदगी में, क्योंकि इनको आपकी जरूरत है, इस इंसान को आपके प्यार का सहारा चाहिए, इस इंसान को आपका भरोसा चाहिए, वरना ये इंसान अपने आप को हमेशा अकेला तन्हा ही जो है मायूस ही जो है ये इंसान समझता रहेगा और जिंदगी में अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाएगा गाइज। तो आपकी कमी यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। तो दूसरी तरफ एक किंग है, एक राजा है जो अपनी रानी को पाना चाहता है, अपने जीवन साथी को हासिल करना चाहता है, आपको अपना सब कुछ मानता है ये पर्सन गाइज, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। ये वो इंसान नहीं है जिसने आपको धोखा दिया है, ये वो इंसान है जो कहीं ना कहीं इस कदर फंस चुका था कि ये आपको अपना बना नहीं पाया, आपको अपना नहीं पाया, आपको अपना प्यार दिखा नहीं पाया। पर ये किंग तो आज भी देखो आपको ही प्यार कर रहा है, इनका प्यार आप में ही समर्पित है ना। ये इंसान तो मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये इस इंसान की जब तक सांस रहेगी है ना, तब तक ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपना जीवन साथी मानेगा, आपको ही अपना कपल मानेगा, आपको ही ईश्वर का दिया हुआ वरदान ये इंसान मानेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऐसे सच्चे प्यार को हमें कभी भी बद्दुआएं नहीं देनी है गाइज। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये इंसान किसी के प्रेशर में आकर आपसे अपने मन की बात नहीं कह पा रहा, किसी के जुल्मों का शिकार ये इंसान हुआ है, किसी ने इस इंसान को इस कदर बेबस कर दिया है कि ये चाह कर भी अपने मन का वन साइडेड लव, जिसे हम कहते हैं ना किंग ऑफ कप्स, वो वन साइडेड लव ये इंसान आपको नहीं बता पा रहे है गाइज। आप इनके प्रॉब्लम्स को समझो, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, क्योंकि ऐसी रीडिंग में ही मैं आप सभी के साथ हाथ जोड़ती हूँ। दूसरे रीडिंग्स में जहाँ पर ऐसा 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 पावर कपल निकल कर नहीं आता, सोलमेट निकल कर नहीं आता, मैंने कभी आपके सामने हाथ नहीं जोड़े हैं है ना, पर मैं ऐसे रीडिंग में आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस इंसान का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। क्यों इंतज़ार कीजिए, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, हर्मिट का कार्ड आया है, ये दोनों एनर्जी हमें साफ साफ बताती है कि इस इंसान का जो आना होगा आपकी ज़िंदगी में, इनका जो आगमन होगा आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत धीरे होने वाला है गाइस। ये भी मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बस ये आश्वासन या ये भरोसा मैं नहीं दे रही कि ये इंसान आएगा, पर इन्हें वक्त लगेगा, इन्हें समय लगेगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखिए रुक रुक कर चलने को या बहुत आहिस्ता आपकी तरफ आने को दिखाता है ना। वहीं पर हर्मिट बताता है कि इस इंसान की चाल में, इस इंसान के एक्शन में समय लगने वाला है, इंतजार तुम्हें करना पड़ेगा, पर अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, क्योंकि इस इंसान का प्यार तो आपके लिए बहुत ज्यादा सच्चा है गाइज, आप इन पर भरोसा कर सकते हो, आप इन पर आंखों पर पट्टी बांधकर भरोसा कर लो, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इसके प्यार में कोई दाग नहीं है, इसके प्यार में कोई छल कपट नहीं है, इसके प्यार में कोई जलन नहीं है, इसके प्यार में कोई गुस्सा नहीं है, इस इंसान ने तो बस आपसे प्यार किया है, समझ रहे हो। तो इंतजार मतलब ये इंसान आएगा तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएगा, यानी कि बहुत धीमी रफ्तार में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हर्मिट इस इंसान को सहारा दे रही है, हर्मिट इस इंसान को बदल रही है, हर्मिट इस इंसान को जो है आपके लिए तैयार कर रही है, ईश्वर इन्हें तैयार कर रहे हैं, समझ गए। ईश्वर इनके भरोसे को खोने नहीं देंगे, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। कितने सारे एग्जांपल यहाँ पर किंग ऑफ कप्स लवर्स जैसे कार्ड्स आए हैं जो आपके प्यार को दिखाता है, तो आप कैसे भरोसा छोड़ सकते हो।
यहाँ पर इस रीडिंग में तो मैं देख रही हूँ कि धीरे से आएगा, धीमी गति में आएगा, तेज इनकी रफ्तार नहीं होगी, तेज एक्शन ये इंसान नहीं लेगा। पर जब ये इंसान आएगा तो आपको अपना अपना जो है जीवन देने के लिए आएगा, आपको अपना मन देने के लिए आएगा, अपना जीवन आपके नाम समर्पित करने के लिए ये इंसान इस तरीके से वापस आने वाला है। गाइज आपकी तो ईश्वर ने देखे, यहाँ पर जितने यहाँ पर जो है आप दोनों के बीच में जितने लोग खड़े हैं ना गाइज, ये है वो लोग। देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स मदर है ना, ये फोर ऑफ वैंड यहाँ पर मैरिज इश्यूज को दिखाते हैं, घरेलू मसले को दिखाते हैं। समाज में आप दोनों का इक्वालिटी नहीं है, समाज में, सोसाइटी में, धर्म में, जाति में आप दोनों की बराबरी नहीं है। आप किसी और कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हो, आप किसी और मजहब से बिलोंग करते हो, इन सारी चीज़ों का रिस्ट्रिक्शंस है, मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ। पर इन चीजों के होने के बावजूद भी ईश्वर आप दोनों को विक्ट्री देना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप दोनों के भरोसे को टूटने नहीं देंगे ईश्वर। वही चीजें यहाँ पर हो रही है, समझ गए? तो मैं देखो इस इंसान का इंतजार आपके लिए यहाँ पर भी है। टू ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी आई है ये भी इनकी इनकी उसी भावना को दिखाता है कि चाहे मेरे पास कुछ भी क्यों ना हो, मेरी नजरें हमेशा उस दरवाजे पर होती है जिस दरवाजे से तुम मेरी जिंदगी में आओगे, जिस दरवाजे से तुम मेरे घर में आओगे। तो इनका इंतजार सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर है। टू ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट फाइनल डिसीजंस ले लेना, पर कुछ कर नहीं पाना है ना, बस ताकते रहना, देखते रहना, इंतजार करते रहना। तो ये इंसान तो खुद आपका इंतजार कर रहा है गाइज। तो मैं आपसे क्या कहूँ कि आप इनके लिए वेट करो या ना करो, मैंने आपसे कह दिया है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, इस इंसान की मासूमियत को पहचानो, इस इंसान के दिल को देखो, इस इंसान के बचपने को मत देखो। इस इंसान ने बचपने में आकर या अपने मतलब रिश्ते का जो एक हैवीनेस होता है ना, एक रिश्ता सिर्फ एक इंसान से नहीं जुड़ता, जब एक रिश्ता किसी से बनता है तो उसके साथ परिवार जुड़ जाता है, पूरा का पूरा समाज जुड़ जाता है, दायित्व जुड़ जाते हैं। तो शायद हो सकता है कि इस इंसान के कंधों ने उन जिम्मेवारियों को ढोने से जो है इनकार कर दिया, यानी कि आपके प्यार को ये इंसान आगे तक ले जाने में असक्षम रहा है ना। पर इनके प्यार को देखो, इनकी मासूमियत को देखो गाइस। ये इंसान आज भी जो है तैयार अपने आप को महसूस करता है कि मैं इनकी जिंदगी में जाना चाहता हूँ प्यार लेकर, मैं इन्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ, मैं इन्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जिसे सुनकर ये जो मेरा पार्टनर है उनके मन को सुकून मिले। सो दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक इन योर लाइफ विद स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस, छोटी छोटी खुशियां लेकर ये इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, आना तय है। इस इंसान का आपकी जिंदगी में लौट कर आना तय है गाइस, समझ गए? पर आप कितना भरोसा करते हो, आपका प्यार कितना सच्चा है, ये अब वक्त बताएगा। क्योंकि आपका इंतजार मुझे नहीं मालूम, ये खुद आपका वेट कर रहा है, ये खुद सही समय का इंतजार कर रहा है, ये खुद जो है आपके पास आने का इंतजार कर रहा है। क्योंकि आपके बिना ये कपल अधूरा है, इनके बिना आप अधूरे हो, आप दोनों के बिना ये लवर्स की एनर्जी, सोलमेट का जो ये रिश्ता है ये अधूरा है, समझ रहे हो गाइस? तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से हम कुछ देखेंगे। वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पर आई है। नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आज की रीडिंग में। और यहाँ पर मैं बता दूँ, वी आर द वर्ल्ड, ईश्वर ने कह दिया है कि जिससे तुमने प्यार किया है, जिसको तुमने अपना दिल दिया है, जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे हो, वही तो तुम्हारी दुनिया है, वही तो तुम्हारी मंजिल है, वही तो तुम्हारा सपना है। तुम इस सपने से, इस इंसान से तुम दूर कैसे हो सकते हो जब तुम दोनों को ही जो है मैंने एक जान बनाकर भेजा है। आप दोनों एक साइकिल का, एक जर्नी का, एक मतलब एक इतिहास आप दोनों को रचना है गाइज, जुदा नहीं हो सकते आप दोनों, अलग नहीं हो सकते। देखो कैसे हाथ पकड़ पकड़ कर इस जिंदगी के पूरे सफर को आप दोनों तय करोगे। पूरा जो यूनिवर्स है वो चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ इसी तरीके से दो। यू बोथ आर द वर्ल्ड फॉर ईच अदर, आप दोनों ही हो गाइज एक दूसरे के लिए, समझ रहे हो? अबंडेंस, जिसकी कमी अभी यहाँ पर नजर आती है,
उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही, उन सपनों का पूरा होना नहीं हो पा रहा, वो लंबा इंतज़ार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो एबंडेंस एक ऐसा ईश्वर की तरफ से एक ऐसा दुआ है, एक ऐसी प्रेयर है, एक ऐसा ब्लेसिंग है आपको, जो इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली आज नहीं तो कल मिलेगा, है ना। ये इंसान रुका हुआ है, रुकने दो, कोई जल्दबाजी करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नजर नहीं आती। ईश्वर की कृपा है गाइज, ईश्वर की निगाहें हैं, ईश्वर ने दोनों हाथों से जो है आप दोनों को एबंडेंस देना है। यहाँ पर एबंडेंस का मतलब क्या होता है? एबंडेंस का मतलब वो खुशियाँ जिसे हम संभाल नहीं पाएंगे। इस तरीके का एबंडेंस आपको इस रिलेशनशिप में मिल रहा है, समझ रहे हो? ट्विन फ्लेम इज नियर, यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप ट्विन फ्लेम में हो, है ना। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो आपको कभी समझ नहीं पाता। ट्विन फ्लेम प्यार होता है, एक दूसरे के बिना जो है रहा भी नहीं जाता, पर एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम होती है। दोनों की भावनाएं एक जैसी, दोनों की समस्याएं एक जैसी, है ना। मिलकर भी मिल नहीं पाते, दो नदी के किनारों जैसे। अगर आपका रिश्ता इस इंसान के साथ ऐसा ही है तो आपको समझ लेना है कि आप दोनों का रियूनियन अब बहुत नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। देखो दोनों दो पक्षी जो है यहाँ पर खुले आकाश में उड़ रहे हैं। ये कहने का मतलब क्या है? आज़ादी, स्वतंत्रता। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होगी, आप दोनों अपनी ज़िंदगी खुलकर जियोगे, खुलकर अच्छी सांस लोगे एक दूसरे के लिए। जो है आप दोनों ही हो यहाँ पर इस दुनिया में गाइज, और कोई नहीं है। तो ट्विन फ्लेम का जो है यहाँ पर वेट ओवर हो रहा है, जो इंतजार है वो यहाँ पर ओवर हो रहा है। अनकंडीशनल लव, जो शब्द मैंने कुछ देर पहले आपसे जब मैंने लवर्स की इस एनर्जी को, साथ ही साथ किंग और क्वीन की एनर्जी को जब मैंने देखा था, ये तो सुपर पावर कपल्स है गाइस, है कि नहीं? तो इसमें प्यार की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस यहाँ पर किस चीज की कमी है? दूसरों द्वारा पैदा की गई प्रॉब्लम्स, उस वहाँ पर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है। थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में, वहाँ से प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। पर इस इंसान के मन में आपके लिए ऐसा प्यार है ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको इस जीवन में कोई और इंसान अगर आपको मिल भी गया ना, तो इतना प्यार कोई आपको कर सकता है इस इंसान के अलावा। दिस इज द अनकंडीशनल लव दिस पर्सन इज हैविंग इन देयर हार्ट, अपने दिल के अंदर आपके लिए ये इंसान अनकंडीशनल लव रखता है, रखेगा और हमेशा रखता रहेगा गाइज, समझ रहे हो? चलिए देखते हैं साई बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, साई बाबा की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या हो सकता है। एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल, तो यहाँ पर भी सोल की ही बात, आत्मा की बात, अंतरात्मा की बात कही गई है, है ना। तो खूबसूरती से, खूबसूरत ढंग से जो है आपकी जिंदगी में आपने जो प्लान्स बनाए हैं, है ना, उन प्लान्स को जो है खूबसूरत ढंग से आगे बढ़ाओ गाइज, है ना। ये मत कहो, ये डाउट मत रखो मन के अंदर में कि मैंने तो ये सोचा था और ये हो गया, मैंने तो ये चाहा था और मुझे ये मिल रहा है, मैंने तो ईश्वर से ये मांगा था पर मेरे साथ ये हो गया। ऐसा कभी भी डाउट आपके मन के अंदर नहीं होना चाहिए। आपके अंतरात्मा में जो बात आपको आवाज देती है ना कि तुमने अगर जो किया है वो सही है, तो वो सही है गाइज। अपनी जिंदगी के प्लान्स को हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उसे जो है आगे लेकर जाना है, आगे जिंदगी में बढ़ना है गाइस। तो ग्रेस आपके चेहरे पर, हमेशा चमक आपके चेहरे पर, हमेशा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होनी चाहिए गाइस, पाइल नंबर वन। तो ये है आपकी परफेक्ट रीडिंग, जिसमें कोई शक और सुबह वाली बात नहीं है कि आपको इनका इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं आपको डंके की चोट पर कह रही हूँ कि इंतजार कीजिए इस इंसान का। ये इंसान बहुत धीमी गति में है, बहुत धीमे आएगा, समय लगेगा,
इंतजार आपको करना होगा, पर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। क्यों आपका है? क्योंकि ईश्वर ने इन्हें आपके लिए चुना है, ईश्वर ने इन्हें आपके लिए बनाया है। लोगों ने नहीं चुना है गाइज इन्हें आपके लिए, समझ रहे हो ना? तो ईश्वर की चुनी हुई चीज को हम कैसे ठुकरा सकते हैं? तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आया है कि मैं क्या कहना चाहती थी। अगर पॉसिबल हो सके तो उन टूटे हुए दिलों तक इस रीडिंग को शेयर कर दो जिन्हें इनकी जरूरत है, ताकि वो भी हील हो सके। इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज। हे गाइज, वेलकम बैक। एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस, एक्वेरियस, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि, और ये 222 वाला एंजल नंबर है। तो जिन्होंने भी इसे सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि क्या आपको आपके पोर्शन का इंतज़ार करना चाहिए और कब तक करना चाहिए, करना चाहिए भी या नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिसे मैं क्लैरिटी के साथ आपको बताने वाली हूँ। ईश्वर की क्या मर्जी है वो भी हम देखेंगे, आपके पोर्शन की क्या मर्जी है उसे भी हम देखेंगे, साथ ही साथ आपकी मर्जी तो देखेंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, फाइव ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। पांच पांच नंबर पांच, आपके पोर्शन तो बहुत ज़्यादा हर्ट है गाइस, बहुत बहुत दर्द है, दर्द इनको महसूस हो रहा है आपके साथ का सेपरेशन, जुदाई। पांच की एनर्जी इसे ही दिखा रही है। वाओ सन, वाओ अगेन सिक्स ऑफ वैंड्स। दोनों ही तरफ आप देखोगे तो हाथ उठे हुए हैं। सक्सेस जिसे हम कहते हैं, खुशियां जिसे हम कहते हैं, कि एक इंसान है जो खुलकर खुशियों को जो है अपने गले लगा रहा है, जिंदगी को जी रहा है, सबके सामने सफल हो रहा है। वाओ दिस इज ग्रेट। Four of Pentacles and we have Seven of Pentacles again. This is the main energy. आज आपकी main energy Seven of Pentacles की है। तो bottom में क्या है? वही है जो यहाँ पर आया है, World का card। क्या बात है, बहुत बुरे फंसे हो आप और आपके पोर्शन एक बहुत बुरे जो है साइकिल में फंसे हो गाइज, जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ साइकिल है आपका। यहाँ पर सिर्फ इस जन्म का साइकिल नहीं है, यहाँ पर पास्ट का साइकिल भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी राशि यहाँ पर लियो, जो आपके आपने चुना है, यहाँ पर आज लियो बहुत स्ट्रांग आया है निकलकर मेजर अरकाना से। और उसके अलावा शायद स्कॉर्पियो आपकी राशि में नहीं है, जो आपके नेपाल चुना है, पर स्कॉर्पियो भी यहाँ पर स्कॉर्पियो और लियो की एनर्जी मेजर अरकाना से आई है। और बॉटम में अच्छा माइनर अरकाना में वी हैव वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फाइव ऑफ पेंटिकल से होता है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वी हैव फायर साइन, लियो, सेजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु और मेष राशि। ठीक है, अच्छा एयर साइन है या नहीं? एयर साइन यहाँ पर नहीं नजर आई है मुझे, तो कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं
कि आपको इनका इंतजार करना चाहिए या नहीं। तो पहले ही शुरुआत में ही बता देती हूँ कि पास्ट लाइफ का, पिछले जन्म का कर्मा ढोकर इस जन्म में आए हो, तो कैसे यहाँ पर मैं आपसे ये कह दूँ कि इंतजार नहीं करना है या फिर लाइफ में मूव ऑन हो जाना है ना। ये तो जो आपने, जो आपके साथ अभी चल रहा है ना, ये आपका, आपकी जिंदगी का हकीकत है। ये एक आईना है जो आपको ईश्वर ने दिखा दिया है कि तुमने क्या क्या किया है। तुम्हारे पास्ट लाइफ में तुमने लोगों के साथ, तुमने रिश्तों में तुम अच्छे नहीं थे, तुम्हें सुधार की जरूरत थी, तुमने किसी का दिल दुखाया है, तुम शायद लॉयल नहीं थे पास्ट लाइफ में किसी के साथ, है ना। तो यहाँ पर जो है आप अपना कर्मा का ही बोझ ढो रहे हो और पिछले लाइफ का कर्मा जुड़कर आया है आपके इस जीवन के साइकिल में, चक्र में, जिसकी वजह से ही ये सेपरेशन हुआ है, ये जुदाई हुई है ना। आपको दुख दर्द मिला है, आपके पोर्शन भी वही उसी जर्नी का शिकार है, क्योंकि आप दोनों एक ही साइकिल में बंधे हुए हो। एक आप दोनों को बांधने का जो डोर है, जो रस्सी है, वो एक ही है। तो एक ही चपेटे में और एक ही लपेटे में ईश्वर ने आप दोनों को लपेटा है, जिसकी वजह से सेम टू सेम वही फीलिंग और वाइब्रेशन आप दोनों की हो रही है ना। एक तरफ आप घुट रहे हो, एक तरफ आप इंतजार कर रहे हो, तो दूसरा तरफ वही जुल्म जो है आपके पोर्शन भी पर भी ढाया जा रहा है और कर्मा ये सारी हरकतें कर रहा है आप दोनों के सामने, समझ गए। तो आपको इसे तो मानना ही पड़ेगा, आपको इसे झेलना ही पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते, आपके पोर्शन भाग नहीं सकते इस चक्र से, इस साइकिल से। तो क्या हुआ है इस चक्र और साइकिल में जिसकी वजह से आज आप दोनों का रिलेशनशिप रुका हुआ है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स दो कार्ड एक ही एनर्जी आई है निकलकर, जो ये बताती है कि ये रिश्ता कभी बढ़ता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा फिर रुक जाएगा। कि कुछ लोगों के लिए तो बड़ा ही नहीं है, मतलब एक बार रुक गया तो ऐसे रुका कि मानो इसको, इसके तो कदम आगे बढ़ते ही नहीं है। तो रुकी हुई रिलेशनशिप यहाँ पर आप दोनों की नजर आती है। कभी कभी ये इंसान मतलब कोशिशें भी करता होगा आपके पास आने की, आगे रिलेशनशिप को बढ़ाने की सोचता होगा, है ना, पर कर नहीं पाता होगा या कर देता होगा कभी कभी, एक छोटा एक आधा मैसेज या रिप्लाई कर दिया करता होगा, उसके बाद फिर से उसी गुफा में जाकर जो है फिर से ठहर जाता होगा, निकलने का नाम नहीं लेता होगा। तो रिलेशनशिप में बहुत सारे अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव आपके यहाँ पर नजर आते हैं। और अभी अगर मैं आपके पोर्शन के बारे में आपसे कहूँ गाइस, तो एक ऐसा गहरी खाई कह लीजिए या गहरा सन्नाटा कह लीजिए, एक ऐसा अकेलापन कह लीजिए, जो वो खुद जी रहा है, आपके बिना जी रहा है, आपके बगैर जी रहा है, और इस इंसान से हो नहीं पा रहा। इस इंसान ने ना मतलब गिव अप कर दिया है, मतलब मैं अपने हाथ को सरेंडर करता हूँ, मैं हाथ खड़े करता हूँ, अब मुझसे नहीं होगा कि मैं इन्हें भूल जाऊँ, मुझसे नहीं होगा इनके बिना जीना, मुझसे नहीं होगा कि मैं इन्हें जो है अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल कर फेंकूँ। ये कर नहीं पा रहा, तो अब आप क्या करोगे? क्या आपके हाथ में है किसी के जज्बातों को कंट्रोल करना? नहीं, ये खुद जो है इतना बेबस और यहाँ पर जो है लाचार नजर आता है कि मैं क्या ऐसा करूं, मैं किस जगह पर जाऊं कि मुझे सुकून मिले। मैं शहर छोड़ दूं, मैं कंट्री छोड़ दूं, मैं गांव को छोड़ दूं, मैं मतलब क्या करूं, क्योंकि मैं कहीं भी चला जाता हूँ मुझे मेरा प्यार याद आता है, मैं कहीं पर भी चला जाऊँ मुझे उसकी कमी महसूस होती है, मैं कहीं भी चला जाऊँ मैं उसे भूल नहीं पाता। तो इस तरीके की एक ना बेबसी और लाचारी जो है आपके पोर्शन की एनर्जीज में मैं शुरुआत से ही देख रही हूँ। फाइव ऑफ कप्स, लॉस ऑफ लव, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आई एम अलोन, मैं अकेला पड़ गया। किसके बगैर अकेला पड़ गया? आपके बगैर अकेला पड़ गया। और ये जो पोर्शन है ना गाइस, ये सिर्फ अकेलेपन का शिकार नहीं है। यहाँ पर इस इंसान को तो मतलब इस कदर प्रेशर हुआ है ना, ये फोर ऑफ पेंटिकल्स किसे कहते हैं? फोर ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप की रीडिंग में मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है, क्योंकि इंसान में कभी कभी जुनून भी होना होता है, सिर्फ प्यार नहीं जुनून भी होता है। कभी रोके ना, कभी टोके तो सही, तुम इसे बात मत करो, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, ये सब प्यार का ही एक अलग रूप होता है। पर हद से ज्यादा ये जुनून बढ़ जाए तो फिर तकलीफ देता है। पर इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि ये इंसान तो अभी भी आपके आपके कायल है, आपके लिए ये इंसान पागल है, आपके लिए ये इंसान जुनूनी है। इस इंसान का पोसेशन, इस इंसान का ऑब्सेशन, इस इंसान की दीवानगी, इस इंसान का पागलपन, इस इंसान का लालच, लोभ जिसे हम कहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। This person can't let you go from your mind and heart. ये इंसान आपको अपने दिमाग, दिल, जज्बात से निकाल ही नहीं पा रहा। देखो तीनों ही कार्ड को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। वो तो समझ में आ गया, पास्ट लाइफ का हिसाब किताब चुकता करना है यहाँ पर।
पर कहते हैं ना कि जुदा होकर भी तुम मुझ में कहीं बाकी हो। वही बात यहाँ पर नजर आती है कि जुदा तो तुम हो चुके हो, तुम दोनों ही हो चुके हो, पर फिर भी तुम इनमें क्यों बाकी हो, तुम क्यों इनमें समाये हुए हो, तुम क्यों इन्हें तकलीफ दे रहे हो, ये सवाल मेरा आपसे है। दिस पर्सन इज क्रेजी फॉर यू, क्रेजी ऑब्सेशन जिसे हम कहते हैं ना, वैसा है यहाँ पर, वो चल रहा है यहाँ पर। पाइल नंबर टू, इस रिश्ते में जो समस्या आई है, मैं नहीं कहूँगी कि कोई थर्ड पार्टी है या क्या है या फोर पार्टी है, फाइव पार्टी है, सिक्स पार्टी है, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। जब कर्मा की रीडिंग आती है ना, तो ऐसे जो मैरिज को लेकर यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम की इश्यू आई है, सिक्स ऑफ वैंड्स क्या बताता है, सरासर दिखाता है, आप दोनों की मैरिज सफल नहीं हो पाई, आप दोनों की मैरिज को लेकर समस्या खड़ी हुई है। और समस्या खड़ी करने वाला कौन होगा, या तो आपके खानदान से कोई होगा या इनके खानदान से कोई होगा, आपके माता पिता से कोई होगा, इनके माता पिता से कोई होगा, आप दोनों के ही कल्चर कास्ट में प्रॉब्लम होगी, रिलीजन धर्म में प्रॉब्लम होगी। तो ये तो महज एक इत्तफाक कह लीजिए, या महज ये ईश्वर का दूसरा प्लान है कि इन्हें भेजना है आप दोनों के बीच में सेपरेशन लाने के लिए, इन दोनों इन लोगों को भेजना है, तो भेज दिया ईश्वर ने। तो अब इन कमबख्त इन लोगों को क्यों हम इल्जाम लगाए, इन्हें इल्जाम हम नहीं लगा सकते कर्मा की रीडिंग में गाइस, ये तो आपको भुगतना ही है, समझे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस इंसान को एक तो डर भी है फाइव ऑफ पेंटिकल्स से, खो तो दिया है, अब वो कहीं मुझे भूल ना जाए, मैंने खो तो दिया है अपना प्यार, अब वो मुझे भूल ना जाए, इस बात का भी डर सता रहा है कि नहीं। तो सिक्स ऑफ वैंड्स यहाँ पर बताता है कि मैरिज एक मेन प्रॉब्लम है, मैरिज एक मेन इश्यू है जो साइकिल के वजह से ब्रेक हुआ है, साइकिल के वजह से अप एंड डाउन हो गया, इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाया ये शख्स। पर अभी भी मैं देख रही हूँ कि लंबा इंतजार, बहुत इंतजार ये खुद कर रहा है आपका, ये खुद कर रहा है कि ये रिश्ता ग्रोथ पर चला जाए, इस रिश्ते को जो है पानी मिल जाए, इस रिश्ते को धूप मिल जाए, इस रिश्ते को जो है सब कुछ मिल जाए, ताकि ये बढ़े तो सही आगे। तो खुद ही इंसान इंतजार कर रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आपको इंतजार करना है या नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूं, आप कुछ करो ना करो, आप चाहे घंटों इनका इंतजार करते रहो, आप चाहे किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाने की कोशिश करो या सोचो भी, आपकी मर्जी, पर वक्त आपको फिर से लेकर आकर इनके ही पास छोड़ेगा गाइज। ये कर्मा आपको और इनको लेकर आकर फिर एक साथ जो है छोड़ देगा, फिर आप क्या करोगे, ये तो होना है। स्कॉर्पियो की एनर्जी, डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है जो रिबर्थ को सरासर दिखाता है। देखो डेथ एंड रिबर्थ दोनों ही शब्द आप साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो ये बताता है कि जो यहाँ पर तुमने खो दिया, एंड हो गया, डेड एंड नजर आता है, वहीं पर शुरुआत होगी, ठीक है। और वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर बताता है कि तुम दोनों अभी तो चल रहे हो एक दूसरे, कभी कभी देखो कभी नॉर्थ पोल पर आप कभी इतने जुदा हो जाते हो ना कि कभी ऊपर कभी नीचे, इतना डिस्टेंस आ जाता है, इतना गैप आ जाता है, कभी साउथ कभी वेस्ट, कभी ईस्ट कभी नॉर्थ, तो ये जो है कभी तो आकर एक जगह पर पहुंचती है सर्कल, कभी तो जाकर एक जगह पर मीट होता है, पहुंचता है। तो आप जितनी भी कोशिश कर लो भागने की, दूर होने की, ये इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, आप दोनों के रिलेशनशिप का रिबर्थ होकर रहेगा जब मीटिंग पॉइंट आएगा, जब आप दोनों के जब ईश्वर डिसाइड कर लेगा कि इस जगह पर, इस समय पर, फलाने डेट पर, फलाने महीने पर, फलाने तारीख पर, इस साल पर आप दोनों का जो है रियूनियन होना है, तो ठीक ऐसे घूम फिर कर आप लोग दोनों आकर यहाँ पर टकरा जाओगे, आप दोनों एक हो जाओगे, क्योंकि इसे रिबर्थ होना है, इसे फिर से जागना है, इस सोए हुए रिश्ते को फिर से एक होना है गाइस। ये है आपका कर्मा इस इंसान के साथ। और जब आप दोनों इस एंडिंग पॉइंट पर या मीटिंग पॉइंट पर या डेटिंग पॉइंट पर पहुंचोगे ना, आप दोनों का रिश्ता सिर्फ डेटिंग, मीटिंग, सिर्फ फ्लर्टिंग, रोमांस पर नहीं खत्म होगा, इस रिश्ते को एक फुलफिलमेंट मिलेगी, इस रिश्ते को सक्सेस यानी कि सिक्स ऑफ वैंड्स मिलेगा, जो ये बताता है कि तुम दोनों पर सारे समाज का, परिवार का, तुम्हारे दुश्मनों का भी आशीर्वाद इस रिश्ते पर होने वाला है। मैरिज यहाँ पर होकर रहेगी आप दोनों की, समझ रहे हो, मैरिज इज कन्फर्म्ड, मैरिज इज कन्फर्म्ड ओवर हियर। तो ये इंसान जो अभी इस रिलेशनशिप में, मैं कभी आप जाऊँ ना जाऊँ, मैं बोलूँ ना बोलूँ, मैं कॉल करूँ ना करूँ, मैं मैसेज का रिप्लाई दूँ ना दूँ, मैं मिलने जाऊँ ना जाऊँ, तो इस उलझनों में जो ये इंसान अभी भी सिर्फ इंतजार कर रहा है ना, बहुत जल्द देखो ये इंसान एक्शन में आएगा, उतरेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स ये मेरा दूसरा फेवरेट कार्ड है इस रीडिंग में, जो ये बताता है रिलेशनशिप स्लो बट ग्रोइंग, थमा हुआ है, एक एक करके, एक एक पायदान, एक 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 कदम इस इंसान की जो है आपकी तरफ बढ़ने वाली है। रिलेशनशिप में मेंटेनेंस, रिलेशनशिप में सुधार की एनर्जी होती है एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी,
समझ रहे हो, तो ये सुधार होकर ही रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, कोई डाउट नहीं है गाइज, भ्रम मत पालना, ठीक है। अब यहाँ पर आया है द सन, और ये होता है आपका इक्का, जो जो रानी होती है ना ताश के पत्तों में, जो रानी होती है वो आपका यही है सन, यानी कि इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस है, बरकत है, इस रिलेशनशिप में खुशियां है, इस रिलेशनशिप में वो तमाम चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं नज़र आ रही, जो आपको दिख नहीं रही, आपको संभावनाएं नज़र नहीं आ रही, आपको बस नज़र आता है आ रहा है खुद के मन के अंदर का दुख और आपके पोर्शन की खुशहाल जिंदगी। पर ये सच है गाइस, जो आपको इस रिश्ते में आगे आने वाले दिनों में डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगी, ये मेरे बात को नोट करके रख लो। मैं ये नहीं कहूंगी कि जब आपका पोर्शन चाहेगा तब आएगा, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जब आपका मन होगा तब आपका रियूनियन होगा, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि जब आपका कर्म एंडिंग होगा, जब आपका समय सही समय मिलने का रियूनियन होने का जब आएगा, वो आना कन्फर्म है, तय है, जब वो आएगा तब आपके आपकी दुनिया में ये इंसान खुशियाँ, बरकत, प्यार, ब्लेसिंग, लव, केयर, इमोशंस, फीलिंग, सारी चीज, मतलब सारी की सारी चीज़ें टॉप टू बॉटम ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है। तो अब आप फैसला करो, आपको इंतज़ार करना है, आपको निकल लेना है पहली गाड़ी का टिकट काट कर, है ना, या आपको क्या करना है आप खुद डिसाइड कर लो। मैंने तो आपसे आपसे सही सही कह दिया है, ये रियूनियन फिक्स है, पर आपकी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से, ऊपर वाले की मर्जी से। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देखो, डेथ का जो एनर्जी आया है ना, ये बताता है कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए आप दोनों के रिलेशनशिप में, कभी वो बदला, कभी आप बदले, कभी उनकी सिचुएशन बदल गई, कभी आपका सिचुएशन बदल गया, कभी वो कमिटमेंट देने में जो है हिचकिचाने लगे तो कभी आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो गई, है ना, कभी वो डिसलॉयल हो गए तो कभी आपका भरोसा टूट गया, है ना। तो बहुत सारे अप एंड डाउन चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इस रिश्ते ने गाइस, सिर्फ आपने नहीं देखा है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव रिबर्थ होगा। मैच्योरिटी, समझदारी, जो शायद इस रिश्ते में समझदारी की भी कमी यहाँ पर थी, या तो आपके अंदर थी या आपके पार्टनर के अंदर थी, पर कुछ ना कुछ मैच्योरिटी की कमी यहाँ पर हुई है। पर अफसोस की बात पहले थी, पर ये तो अभी अभी हमें प्रेजेंट सिचुएशन में मिला है, जो ये बताता है कि आप दोनों का रिश्ता मैच्योर भी है, आप दोनों में जो है मैच्योरिटी भी आई है। कुछ चीज़ें खोकर शायद हो सकता है कि आप दोनों को जो है एक बहुत सारी चीज़ें हम खो देते हैं ना गाइज, उसके बाद इंसान की अकल खुलती है, उसके बाद इंसान को समझ आता है। तो वही मैच्योरिटी यहाँ पर जो है नज़र आई है, आप दोनों में ही मैच्योरिटी आई है, और मैच्योरिटी का वर्ड इसलिए भी आया है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता कुछ सालों पुराना भी है, समझ गए, कुछ सालों पुराना भी है, मतलब ये बहुत कम कम समय में जुड़ा हुआ रिश्ता, दो चार महीने या दो चार हफ्तों वाला रिश्ता नहीं है, मैच्योर हो चुका है ये रिश्ता आप दोनों का, और ये मैच्योर होगा भी। ब्रेक थ्रू, देखो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, हर समस्या से आज़ादी, हर समस्या से मुक्ति, है ना। जो ब्रेक थ्रू आपके पार्टनर को नहीं मिल पा रहा है, यानी कि मैंने कहा ना कि ये कभी आऊँ ना आऊँ, मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं कॉल उठाऊँ ना उठाऊँ, है ना, और खुद को रोक देने वाला जो एनर्जी था, और यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा था कि डेफिनेटली ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसे बनाया जाएगा, इसे सुधारा जाएगा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं ना, ईश्वर द्वारा भेजा गया एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, वो आपको और आपके पोर्शन को डेफिनेटली मिल रहा है। आपके पोर्शन इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के तमाम उलझने, इनकी समस्याएं जो इन्हें रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है निवारण हो रहा है, मुक्ति मिल रही है, और ब्रेक थ्रू इस रिश्ते को ये डेथ लेकर दे रहा है गाइज, कन्फर्म है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं मैसेजेस से क्या है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, आत्मा जुड़ी हुई है आप दोनों की, है ना, भले ही अभी कर्मा के वजह से आप दोनों को लगता है कि उसके दिल में मैं नहीं हूँ, मेरे दिल में वो है,
उसका उसका प्यार झूठा है, मेरा प्यार सच्चा है। नहीं गाइज, आप दोनों का कहीं ना कहीं भाग्य तो जुड़ा है, साथ में आप दोनों की आत्माएं भी जुड़ी हुई है यहाँ पर। और इस आत्मा और इस सच्चे प्यार को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन शायद पहचान नहीं पा रहे थे, पर समय के साथ, वक्त के साथ ये इंसान है ना आपको भी समझने लगेगा, आपके प्यार को भी समझने लगेगा, और इस रिश्ते की भी जो है वैल्यू करता हुआ मैच्योरिटी के साथ कोई ना कोई ब्रेक थ्रू करता हुआ आपकी ज़िंदगी में आएगा गाइज। लव बिलीव, प्यार पर भरोसा रखिए। अगर आपका प्यार पर ही भरोसा नहीं है, आपका अपने पर्सन पर ही भरोसा नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा गाइज, समझ गए। प्यार के कुछ उसूल होते हैं, ट्रस्ट होना पड़ता है ना। इंसान की प्रॉब्लम्स को, मजबूरी को हम सिर्फ प्यार करें ये नहीं है, सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो किस वजह से अलग हुआ है। आपका अगर प्यार स्ट्रांग है ना, तो गाइज बड़े से बड़ी ताकत भी आपके पर्सन को आपसे अलग नहीं करवाएगी, ठीक है। समय के साथ ये इंसान आपके प्यार को समझता हुआ, आपके प्यार पर भरोसा रखता हुआ ये इंसान डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। पर आपको फेथ होना है, आपको फेथ चाहिए, फेथ रखना है, बिलीव रखना है। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस मैं लेना चाहूँगी। देखो मैंने आपसे कहा था ना शुरुआत में, ये तो कर्मा की रीडिंग है, कहा था ना यहाँ पर थर्ड पार्टी है या कोई भी पार्टी क्यों ना हो, ये महज एक कहते हैं ना कि एक भेजा गया एक ऐसा सिचुएशन है जिसे खड़ा होना था आप दोनों के बीच में। मुद्दा तो यहाँ पर यही है कि कर्मा ही क्लीन करना था, कर्मा ही क्लींजिंग की वजह से आपके ही कुछ अपराध थे, आपका ही किया गया कुछ काम था पास्ट जन्म में, पिछले लाइफ में, वो उसे आप क्लीन कर रहे हो, साफ कर रहे हो, सुधार रहे हो। तो मास्टर्स आर्क एंजल्स, एंजल्स आर एंड गार्जियन एंजल्स, यानी कि तमाम ताकतें हमारे यूनिवर्स में जितनी भी ताकतें हैं, शक्तियां हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि ईश्वर, एंजल्स है ना, यूनिवर्स, वो सारे यहाँ पर लगे हुए हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि आपका कर्मा साफ हो जाए, आपको कर्मा से मुक्ति मिल जाए, आपको एक नई जिंदगी मिले, आपको नई जिंदगी जीने का एक आधार और हौसला मिले, ठीक है। तो सारे के सारे लगे हुए हैं गाइज, आपका कर्मा बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा, और उसके बाद आनी तो है बस खुशियाँ, बाहर प्यार, मोहब्बत, इज्जत, शोहरत, यही सारी चीज़ें, समझ गए। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है। इतना कहने के बाद भी अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना है, ये आपकी मर्जी है, ये आपका खुद का फैसला होना चाहिए। रीडिंग देखकर ये मत कहो, क्योंकि सभी का ये रीडिंग नहीं है गाइज, सभी के लिए ये नहीं निकल कर आया है, समझ गए। जिनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, जिसकी वजह से बहुत दुख मिल रहा है आपको, उनके लिए ये रीडिंग निकल कर आई है, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है गाइज तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज़।